आमिर खान के बाद आर माधवन भी कोरोना पॉजिटिव हुए। बॉलीवुड के गलियारों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आमिर खान के बाद अब आर माधवन की कोविड-19 रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद आर माधवन ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। साथ ही बताया कि वो घर पर ही हैं और खुद को सेल्फ क्वारंटीन उन्होंने कर लिया है। माधवन ने इस मामले को थ्री इडियट्स वाला ट्विस्ट भी दिया है। माधवन ने लिखा है कि अब रैंचो की बारी है, कोरोना से हम सभी की जंग जारी है, इस बीमारी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। माधवन ने हालांकि अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर को मजेदार तरीके से ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने थ्री इडियट्स फिल्म का रेफरेंस लिया जिसमें आमिर खान लीड रोल में थे जबकि माधवन और शर्मन जोशी उनके जिगरी यार बने थे। फिल्म में सबका अपना कैरेक्टर था और कॉलेज के डीन को ये तीनों वायरस बुलाते थे। माधवन ने इन सभी चीजों को जोड़कर मजेदार अंदाज में ट्वीट किया है। माधवन ने ट्विटर पर लिखा, फरहान को रेंचो को फॉलो करना ही था और वायरस हम सभी के हमेशा से पीछे पड़ा था लेकिन इस बार उसने पकड़ लिया, लेकिन ऑल इज वेल और कोविड भी जल्दी ही कुएं में होगा। बस यही एक ऐसी जगह है जहां हम नहीं चाहते कि राजू हमारे साथ हो। आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया, मेरी हेल्थ में सुधार हो रहा है। आपको बता दें थ्री इडियट्स में आमिर खान को रेंचो, माधवन को फरहान और शर्मन जोशी को राजू नाम दिया गया था। इससे पहले वेंसडे को ऑफिशियल बयान जारी करते हुए आमिर खान की टीम ने बताया था कि आमिर खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो आर माधवन पिछली बार तमिल फिल्म मारा में नजर आए थे, आगे वो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में नजर आएंगे।